पॉलिनोमियल हमने जो यहाँ पे करने हैं जिनकी फैक्टराइजेशन वगैरह करनी है हम सिंगल वेरिएबल के साथ करेंगे, बट यहाँ जो ये एक्सप्रेशन अगर मुझे गिवन है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विद डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अब हमने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में अगेन कॉफिशियंट आपको पता है, वेरिएबल के अलावा जो कोई टर्म है आपकी तो दैट विल बी द कॉफिशियंट, और विद साइन लेना है। अगर प्लस का साइन गिवन है तो साथ में प्लस लोगे, माइनस का साइन गिवन है तो साथ में माइनस लोगे। लेट अस सपोज मुझे गिवन है पी क्यू प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी अपॉन में आई एम गिवन हेयर टी एंड आई हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। जब ये अपॉन में इस तरीके से गिवन होता है तो यू आर टू कंसिडर दिस ऑल्सो, इसको आपको लेके चलना है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे। सो दिस विल बी टी क्यूब बाई टी प्लस टी स्क्वेयर बाई टी माइनस टी बाई टी। तो दिस विल बी टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस वन, ये एक्सप्रेशन रह गया हमारे पास। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट विल गिव यू द डिग्री, तो हाईएस्ट पावर इन दिस इज टू। तो यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें टू गिवन है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी टू। पेपर में आपकी इस तरह के काफी क्वेश्चंस थे जिसमें आप लोगों ने डिनोमिनेटर को कंसिडर नहीं किया था, तो यू आर टू कंसिडर द डिनोमिनेटर ऑल्सो। डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करके वट एवर एक्सप्रेशन इज लेफ्ट उसके बेसिस पे जो है आप हाइएस्ट पावर दोगे एंड दैट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के, ये सिंपल वाले जो है मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो उसमें जो भी एक्सप्रेशन में आपका एक्स स्क्वायर की जो पावर होगी दैट यू विल राइट डाउन एज इट्स डिग्री, कॉफिशियंट लिखा है तो जो भी विद साइन आपका इसका नंबर होगा साथ में एक्स स्क्वायर के दैट यू विल राइट डाउन एज इट्स आंसर। लेट अस सपोज मुझे गिवन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे अगर उसने एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पूछा है तो दिस वन टर्म इज कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशियंट मींस जो भी न्यूमेरिक वैल्यू इसके साथ है विद साइन, तो हेयर जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू प्लस थ्री। इसी में अगर मान लो मुझे जो है एक्सप्रेशन दिया जाता है थ्री एक्स प्लस फाइव, आई हैव टू फाइंड आउट इट्स कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन। अब कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं है तो जो आपका कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद क्लासिफाई करना आएगा जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, अगर पावर वन होगी तो दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर टू होगी तो इट विल बी क्वाड्रेटिक। पावर मीन्स डिग्री की बात कर रही हूँ मैं, अगर डिग्री या पावर थ्री होगी तो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 37, तो डिग्री 37 का बाइनोमियल का जब आप एग्जाम्पल दोगे तो कुछ भी दे सकते हो। अब अगर मैं ऐसे दूंगी दिस विल बी अ मोनोमियल, तो इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जो हाइएस्ट पावर बनेगी इसकी दैट शुड बी 37। तो दिस इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स इट शुड कंटेन टू टर्म्स विद डिग्री 37 मीन्स हाईएस्ट पावर शुड बी 37। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सेम यही है मोनोमियल ऑफ डिग्री 150, तो मोनोमियल है तो सिंगल टर्म शुड बी देयर, तो दैट शुड बी एक्स टू द पावर 150 और यू कैन राइट डाउन टू वाई टू द पावर 150, बट टर्म आपकी सिंगल होनी चाहिए, बीच में साथ में कुछ भी इसके प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। देन क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो आपको मान लो ये गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो अब ये हमारे जो है इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक एक्स है एक वाई है और एक जेड है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल्स। तो जितने भी उसमें वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे होंगे
आपने उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना है. लाइक आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन. अगर मेरे पास ये है, अब इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स. अगर जो हम फैक्टराइजेशन वाले करेंगे उसमें हमारा सिंगल वेरिएबल है तो दैट विल बी अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो जितने वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन आ सकती है, मोनोमियल बाइनोमियल की क्लासिफिकेशन आ सकती है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन आ सकती है. सो दैट यू हैव टू डू. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा अच्छा एक ये है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन बाय सेवन. राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल. कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड. अभी कुछ बता के हटी हूं मैं. आई कैन सी थ्री हैंड्स रेज्ड. यस प्रगुन. मैम माइनस थ्री. ओके यू आर सेइंग माइनस थ्री. रमनीक इज ही करेक्ट? रमनीक यू कैन अनम्यूट. आई हैव गिवन द ऑप्शन बच्चे. मैम माइनस थ्री अपॉन सेवन. माइनस थ्री अपॉन सेवन. दिया. मैम माइनस थ्री अपॉन सेवन. लवलीना. मैम माइनस थ्री बाय सेवन. अर्शप्रीत. मैम माइनस थ्री बाय सेवन. यस प्रगुन. नाउ टेल मी इज इट माइनस थ्री और माइनस थ्री बाय सेवन? माइनस थ्री बाय सेवन. आपने डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है, चाहे आप उसकी डिग्री निकाल रहे हो चाहे आप उसका जो है कोफिशियंट निकाल रहे हो. दिस कैन बी रिटन इन दिस वे. सो जब हम कोफिशियंट की बात कर रहे हैं इट मींस जो न्यूमेरिक वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ हम उसकी बात कर रहे हैं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी माइनस थ्री बाय सेवन. सो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है दैट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी उसका वेरिएबल है, अगर मैं वेरिएबल में वो वाली वैल्यू जिसको मैं कह रही हूँ कि दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर वो वैल्यू पुट कर देती हूँ तो पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी. यस अर्शप्रीत यू कैन अनम्यूट बच्चे. ओके फाइन. सो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. पहले सिंपल हम वैल्यूज निकालेंगे. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 1. तो मैं क्या करूंगी इसको p of x लिख लूंगी. पॉलिनोमियल है तो p of x, q of x, r of x कुछ भी आप इसको लिख सकते हो. p of x का मतलब क्या है कि that this is a polynomial in variable x. जो यहाँ पे मेरा वेरिएबल होगा यहाँ पे ब्रैकेट में आपने वो लगाना है. इन केस अगर मैं यहाँ पे 5y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 लेती तो आपको यहाँ पे p ऑफ y लगाना है. यहाँ वो वेरिएबल आएगा जो आपका एक्सप्रेशन में गिवन है. सो दिस इज अब मुझे क्या कहा उसने एट x इज इक्वल टू 1. जब ये आ गया एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स जहां जहां पॉलिनोमियल में आपका x है उसको हमने इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है. सो p ऑफ x की जगह 1 equal to 5 as it is x की जगह 1 minus 4 as it is x की जगह 1 plus 3. So simplify कर लो इसको. p of 1 is equal to 5 minus 4 plus 3. So this is p of 1 equal to 5 minus 4 is 1 plus 3 is 4. So this is your answer. p of x at x is equal to 1 is 4. यानी कि जब आप इस पॉलिनोमियल को लेके चलोगे इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 4 आ रही है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल.
कोई भी x की वैल्यू पुट करने पे जब मुझे ये p ऑफ वन की वैल्यू जीरो मिल जाएगी देन आई विल से कि ये जो वैल्यू थी दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू है या वेरिएबल की जिस किसी वैल्यू के लिए जब आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है पॉलिनोमियल के लिए जब वो जीरो बन जाता है वी यूज टू से कि जो गिवन वैल्यू है दैट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि उस स्पेसिफिक वैल्यू पे जो आपका पॉलिनोमियल है दैट विल गिव यू द वैल्यू जीरो. यहाँ पे ये जीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आई एम हैविंग वाई प्लस टू एंड वाई माइनस टू. p of y is equal to y plus 2 y minus 2. I have to check if y equal to 2 is a zero of given polynomial. So maine p of y likh liya. Check if p of y equal to y plus 2 into y minus 2 is a zero. Y equal to 2 is a zero of this given expression. अब क्योंकि मुझे zero of p of y किसको check करना है, y minus 2 है. अब यहाँ y equal to 2 है तो यहाँ हमने क्या करना है, जहां जहां हमारे पास y है replace that with 2. तो p of 2 is equal to 2 plus 2 into 2 minus 2. So this is 4 into 0, 4 into 0 is 0. अब क्योंकि y equal to 2 पे ये वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स y equal to 2 is a 0 of given polynomial p of y. वैल्यू 0 आ रही है तो is a 0 लिखोगे, नहीं आ रही जैसे प्रीवियस केस में था तो is not a 0 लिखोगे. नेक्स्ट अगेन इस तरह का क्वेश्चन आपका पीटी 3 में आया था. हमने अभी तक सिंपली वैल्यू फाइंड आउट की कि एट एक्स इज इक्वल टू दिस या एट एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस हमने पी ऑफ एक्स या पी ऑफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट की. अब मुझे गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एंड आई हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ p of 2 minus p of 1 plus p of half. ये मुझे कैलकुलेट करना है p of 2 minus p of 1 plus p of half. तो आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप इनकी वैल्यूज अलग अलग निकाल के इसमें पुट कर दो या यहीं पे सीधा वैल्यूज पुट कर दो. p of 2, p of 2 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू जहां जहां x है रिप्लेस दैट विद 2. So this is 2 square minus 4 into 2 plus 3. So this is 4 minus 8 plus 3, that is minus 1. Ab next kya hai? P of 1. So P of 1 ki hum value calculate karenge. So jahan jahan aapka x hai, wahan wahan aap 1 se replace kar doge. So this is 1 minus 4 plus 3, that is equal to 0. And then P of half. तो अगेन जहां जहां x है वहां हाफ से रिप्लेस कर दो. हाफ का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स हाफ प्लस थ्री, दिस इज वन बाय फोर माइनस टू प्लस थ्री. सो दिस इज वन बाय फोर प्लस वन, दैट इज फाइव बाय फोर. अगेन नॉट इक्वल टू जीरो. वन बाय फोर प्लस वन इक्वल टू 5/4. अब मेरे पास p of 2 की वैल्यू आ गई, p of 1 की वैल्यू आ गई, p of half की वैल्यू आ गई. Now put these values in this expression. इसको 1 ले लो. So using 1, p of 2 is minus 1, minus p of 1 is 0, plus p of half is 5/4. So this is equal to minus 1 plus 5 by 4. LCM le loge. So this is 1 by 4. So is expression ki mere paas value kya aagayi? 1 by 4.
If any doubt is there, then you can ask your doubt. Otherwise, we are moving on to the next one. Done. चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं अब हम. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं. और वी कैन से कि वी आर गिवन द पॉलिनोमियल, वी आर टू फाइंड आउट इट्स जीरोस. तो जब भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमने उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. अगर तो लीनियर पॉलिनोमियल है देन तो हम डायरेक्टली ले लेंगे. अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है देन हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं एंड वी यूज टू फाइंड आउट इट्स जीरोस. अब मुझे यहाँ पे गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x. तो अब यहाँ पे मुझे एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जीरो मिले, उसके लिए मुझे क्या करना है. जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, पुट दैट एक्सप्रेशन, दैट होल एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो. यहाँ पे मुझे 5x गिवन था तो 5x को आप इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे. तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0/5, यानी कि x इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो सिंपली जब भी 0 फाइंड आउट करना है, अगर तो सिंगल टर्म है तो इट्स फाइन. लीनियर में टू टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, देन आल्सो इट्स फाइन. अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बन रही है, पहले फैक्टर्स बनाओ, जो भी एक्सप्रेशन आएगा फैक्टर्स बना के पुट दैट इक्वल टू 0. तो वहां से आप एक्स की वैल्यूज निकाल लो. जो भी एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. लाइक नेक्स्ट मुझे गिवन है पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0. सी नॉट इक्वल टू 0 इसलिए गिवन है क्योंकि यहाँ पे सी की कुछ भी वैल्यू मैं डाल सकती हूँ. सी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर सी 0 हो जाएगा आपका, तो ये आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा. और जब आपको एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो मुझे ये इक्वल टू 7 गिवन है, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी उसका कोई 0 आपका नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यू जिससे मर्जी मैं ले लूं, यहाँ पे x को जो मर्जी पुट करूं, 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, ये हमेशा 7 ही रहेगी. तो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए कि ये केस ना बन जाए, यहाँ साथ में गिवन है c इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपने ध्यान रखना है. तो इसका वैसे एज सच कोई रोल नहीं है, बट इन केस जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपने ये ध्यान रखना है कि c, मान लो अगर यहाँ वैसे हम नहीं निकाल रहे हैं, बट अगर c की वैल्यू somehow हम निकालते हैं, तो अगर c की वैल्यू कोई 0 आ रही है तो आपने उसको ओमिट करना होता है, आपने उसको छोड़ देना होता है. अब सेम हमने क्या करना है, पुट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो. तो यहाँ से सी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस डी, एक्स आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी. अगेन यहाँ देखो c क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 गिवन था, अगर ये ना गिवन होता और मैं c को 0 ले लेती तो x आपका इनफाइनाइट हो जाना था, जो नॉट डिफाइंड होना था. तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इस जो कंडीशन है इसको वैलिड रखने के लिए कि ये एग्जिस्ट करे, ये कंडीशन गिवन है. साथ में c इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है. तो x इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी इज अ 0 ऑफ P of x. तो जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फाइंड आउट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल सिंपल ही ले रहे हैं. हमें गिवन है 3 - 6x. P of x इज इक्वल टू 3 - 6x. चलिए करिए इसको, ऑल ऑफ यू डू इट. Find the zero of p of x equal to 3 - 6x. Yes, बच्चे. मैम 1/2. मैम 1/2. ठीक है, it's fine. Half is correct. So 3 - 6x equal to 0. यानी कि 3 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2. तो x इज इक्वल टू हाफ या x इज इक्वल टू 1/2,
is a zero of the given polynomial. Next, same question hai, find the zeros of the polynomial p of x is equal to x minus 2 whole square minus x plus 2 whole square. Find the zeros of this polynomial. अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये जो है x माइनस टू होल स्क्वायर और x प्लस टू होल स्क्वायर यू नो कि ये फर्दर जो है आपकी आप इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हो यूजिंग योर आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर. तो सबसे पहला काम हमने जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है. सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो तो p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसल्ड प्लस 4 माइनस 4 कैंसल्ड. तो p ऑफ x जो है हमारा किसके इक्वल आ गया माइनस 8x के. सिंगल टर्म बन गई. पुट दिस इक्वल टू 0 एंड देन यू विल गेट योर आंसर. So put 8x minus 8x is equal to 0. So this implies that x is equal to 0. Yani ki x is equal to 0 is a 0 of p of x. So ab aap put karke bhi dekh sakte ho. You can check your values. Agar aap yahan pe x ko 0 put karoge, 0 minus 2 is minus 2. Minus 2 square is plus 4. फिर माइनस का साइन ये वाला एज इट इज. यहाँ पे अगेन एक्स को जीरो पुट करोगे, जीरो प्लस टू होल स्क्वायर दैट इज फोर. तो फोर माइनस फोर इज जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे पी ऑफ एक्स की आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ द नेक्स्ट वन, अब लीनियर और सिंगल टर्म्स वाले जो हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ. अब नेक्स्ट हम जो है टाइप जो हमारी बनती है वो इस टाइप की है. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. तो इस तरह के आपके बुक में भी हैं क्वेश्चंस. आपको साथ में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी. यू आर टू चेक वेदर वो वाली वैल्यू जो है गिवन उसकी जीरो है या नहीं है. सो मुझे गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5. ये मुझे गिवन है और इसके अगेंस्ट जो इंडिकेटेड वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल टू 4/5. इट मींस आई हैव टू चेक वेदर x इज इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो ऑफ दिस और नॉट. तो p ऑफ 4/5 चेक करना है तो सिंपली वो वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्वेश्चन जो है वो आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है. कर हम एक ही काम रहे हैं, हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं. अब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स. इसी में मान लो वो हमें आगे कह देता है कि इफ इट इज नॉट अ जीरो फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो क्वेश्चन वही जो हमने भी पहले किया था, यानी कि दो तरह के क्वेश्चंस मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बन गया. तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पुट 5x माइनस पाई इक्वल टू जीरो. तो 5x इज इक्वल टू पाई, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाय 5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x. तो पहले हमने वेरीफाई करना था, वेरीफाई इफ x इज इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x देन फाइंड द जीरो. तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए 5x माइनस पाई इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू पाई बाय 5 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल डू द प्रैक्टिस फॉर. नाउ द नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट में फैक्टर्स फॉर्म में हमें गिवन है, या इन केस अगर हमें फैक्टर्स नहीं भी गिवन है तो वी विल फॉर्म द फैक्टर्स. पहला ले लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू. अब ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है. एक तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ऐसे भी लिखा आ सकता है, या फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर भी लिखा आ सकता है.
तो यू नो कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को आई कैन राइट डाउन एज एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका. तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम चीज बन गई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू. अब अगर इस तरीके से भी गिवन है तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का जीरो फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट यू आर टू मेक इट्स फैक्टर. ये इसके फैक्टर्स बन गए. अब क्या करना है हमने पुट द फैक्टर्स इक्वल टू जीरो यानी कि पुट. अब जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आप इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो पुट करोगे. तो पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो से मुझे मिला एक्स इज इक्वल टू टू एंड इससे क्या मिल गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. तो बोथ ऑफ दीज आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन. सो द जीरोज ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आर प्लस टू एंड माइनस टू. नाउ द नेक्स्ट वन फाइंड द जीरोज ऑफ p of x is equal to x square minus 3x. अब अगेन क्वाड्रेटिक है. हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे. कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है. तो जब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होती और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन होता है फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं जो भी थिंग्स होती हैं इसमें. तो x यहाँ पे कॉमन था दोनों टर्म्स में. तो x को हमने कॉमन लिया तो दिस इज ऑफ द फॉर्म x इंटू एक्स माइनस थ्री. एक ये चीज बन गई और एक ये टर्म बन गई. दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो पुट बोथ द टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. सो क्वाड्रेटिक में जब भी आपको गिवन है ये x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू थ्री. तो इट इज बीइंग अ क्वाड्रेटिक इट इज हैविंग टू जीरोस 0 and 3. So maximum number of zeros यहां से आपको पता लगा कि अगर मुझे एक polynomial given है तो उसमें maximum number of zeros उसकी जो power होती है उसकी जो degree होती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती. At most अगर ये quadratic है तो it will have at most two zeros. It can be one zero also or it can be zero zero also. तो 0, 1, 2 नेगेटिव नहीं होंगी नंबर ऑफ जीरोस कभी भी. तो अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो एटमोस्ट इसके टू जीरोस हो सकते हैं. इन केस अगर वो सेम है यानी कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से बनता है x माइनस टू होल स्क्वायर तो इसमें एक ही जीरो आएगा 2. ठीक है तो 1 0 भी हो सकता है. और इन केस अगर आपको लेट अस सपोज कि यहाँ पे मुझे गिवन है स्क्वायर में अगर सिंगल टर्म है तो जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये दो लेके चलने हैं आपने. नाउ द नेक्स्ट वन ये आप अब खुद करेंगे. p of x is equal to 3x plus 2 into 4x square minus 1. इसे ध्यान दो क्या लिख सकते हो कैसे स्प्लिट करना है आपने. फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर. अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई. फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो दिस इज थ्री एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन. अब फॉर फाइंडिंग आउट जीरोस पुट देम इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो. सो पुट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. So 3x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 by 3, 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2, 2x plus 1 equal to 0 है, तो x is equal to minus 1 by 2. So
सो थ्री जीरोस आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, x इज इक्वल टू वन बाई टू एंड x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. सो एक टाइप आपने ये वाली प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट है शो दैट, अब ये आ गया कि क्वाड्रेटिक में दैट इज हैविंग नो जीरो. x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 शो दैट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 हैज नो जीरो. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक क्वाड्रेटिक है तो इट कैन हैव जीरो जीरोस, इट कैन हैव वन जीरो, इट कैन हैव टू जीरोस. तो अब ये केस बन रहा है हमारा जब क्वाड्रेटिक का कोई भी जीरो नहीं होगा. जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो अब इन दो टर्म्स को देखो, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली फॉर्म बन रही है. इट मीन्स जो मेरे पास थर्ड टर्म है उसको मुझे जो है इस तरीके से लिखना है कि ये जो है मेरा इसके साथ एक ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनाए, क्योंकि x वाली टर्म आपकी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, टर्म बनेगी. सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर. 6x को मैंने लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू थ्री, ये a हो गया मेरा 2a. तो b क्या लूं मैं कि यहाँ पे मेरा 6 बन जाए, तो आई नो दैट इज 3 टू जार 6. या आप ऐसे भी कर सकते हो, x का कॉफिशियंट 6 है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ गया आपके पास 3. अब इसका स्क्वायर यहाँ पे बना लो, तो 11 को मैंने रीराइट कर लिया प्लस 9 प्लस 2 में, 3 का स्क्वायर था तो 2a इंटू 3 कर दिया. x का कॉफिशियंट देखो, जो भी x के कॉफिशियंट की वैल्यू है हमेशा उसको 2 से डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड करने पे जो भी आएगा दैट विल बी योर b. a तो मेरा ये गिवन था मुझे ये, और ये मेरा b हो जाएगा जो 2 से डिवाइड करने पे आएगा. अब इसका जो भी स्क्वायर होगा वो चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर क्या है 9, तो मैंने प्लस 11 को स्प्लिट कर लिया 9 प्लस 2. ठीक है, अब ये जो तीनों टर्म्स हैं ये फॉर्मूला बना रही है मेरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का. सो ए प्लस बी जो वैल्यू आपकी यहाँ थी इसका होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स मेरी इस फॉर्मूला में आ गई. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये तीनों टर्म्स कवर हो गई, रह कौन सी गई टर्म प्लस 2. अब क्या होगा यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट करती हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द जीरो. वैसे तो आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव में जब आप पॉजिटिव ही ऐड करोगे तो दैट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. या फिर आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 को आपने इक्वल टू जीरो पुट किया तो x प्लस 3 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस 2 के. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ नेगेटिव वैल्यू बट वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो विच इज नॉट पॉसिबल. एज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर can never be negative. At your level, this can never be negative. But plus 1 में आप पढ़ोगे जो हमारे complex numbers होते हैं उसमें this condition is possible. But क्योंकि हमने अभी तक complex numbers के साथ deal नहीं किया, we are dealing with the real numbers only. तो आप ये लिखेंगे square of a number can never be negative. So this one is not possible. It means this expression has no zero. So x square plus 6x plus 11 has no zero. So if any doubt is there, then you can ask for the doubt. Otherwise, I'm ending the meeting. You can unmute yourself. I'm giving you the option if any doubt is there.